बिहार का ही, क्योंकि यहाँ पर 54% वोटिंग तो हो चुकी है अवधेश, अभी भी क्या भीड़ भाड़ दिखाई दे रही है, कैसा लग रहा है वहाँ पे माहौल? बिल्कुल स्नेहा, माहौल पूरा बना हुआ है। सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं, इस वक्त ज्वालापुर इंटर कॉलेज ज्वालापुरम में है और यहाँ पर जो मतदान केंद्र बनाया गया है, यहाँ पर कई बूथ हैं और आप देखिए लगातार हर बूथ पर इस वक्त वोटिंग चल रही है। इधर महिलाओं की लाइन लगी हुई है, उसके बाद अगर हम बाएं साइड में दिखाएं तो कई बूथों में एक साथ वोटिंग का सिलसिला चल रहा है और आज सुबह से लेकर अब तक में यही एक बूथ नजर आया जहां पर भीड़ पूरी देखने को मिली। जिन लोगों ने वोट दे दिया, एक बार उनसे ही बात कर लेते हैं कि क्या माहौल और क्या मूड बन रहा है, ये बताइए। हरिद्वार वोटिंग तो बंपर कर रहा है, क्या सोच कर वोट कर रहे हैं, क्या मुद्दे हैं इस बार? इस बार कांग्रेस पार्टी का मुद्दा यह है कि हरिद्वार जो है नशा मुक्त हो, विकास हो, यूनिवर्सिटियाँ बने, पढ़ाई लिखाई के लिए, एजुकेशन के लिए, बड़ी शिक्षा के लिए ध्यान दिया गया है, यही एक कांग्रेस का मुद्दा है और कांग्रेस के इस मुद्दे को लेकर ही लोग वोट दे रहे हैं। चलिए ये अच्छी बात है कि शिक्षा भी एक मुद्दा यहाँ पर नजर आ रहा है, क्या लग रहा है कि इन मुद्दे पर वोटिंग हो रही है? बेरोजगारी और शिक्षा के मुद्दे पर वोटिंग हो रही है। अच्छा, क्या लग रहा है, क्या मूड है इस बार उत्तराखंड में और हरिद्वार में 11 सीटों पर? कुछ नहीं कह सकते भाई साहब, ये तो सब अपने अनुमान लगा रहे हैं। कोई कहता है जो जिस पार्टी का प्रत्याशी होता है उस पर वोट देता है, ये तो अनुमान लगाया जा रहा है। अब तक ही बताते हैं कि 55% वोटिंग हो चुका है, ये तो किस्मत सबकी बंद हो जाएगी, 10 मार्च के बाद खुलेगी, हर प्रत्याशी अपनी लगा। तो मुद्दे पूछ रहे हैं, आपने किस मुद्दे वोट दिया? मुद्दे चल रहे हैं भैया, भाजपा ने काम करे, कांग्रेस भी काम कर, परिवर्तन कह रहे हैं, अब तो ऊपर वाला परिवर्तन करता नहीं करता, ऊपर वाले इस वक्त आप ही लोग हैं, क्या किस पर मेहरबान है हरिद्वार के ऊपर वाला? सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ कि आपने पोलिंग स्टेशन पे आके जनता से निवेदन किया कि अपनी राय रखें। इस बार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, मैं तो ये कहता हूँ कि यहाँ पे पार्टी और मताधिकार का इस्तेमाल करें, लेकिन वोट गोपनीय है अवधेश करना है। और दूसरी बात है कि यहाँ पे